क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए मिसेस शर्मा, एनुअल फंक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारी लगभग हो गई है, बस विधायक जी की तरफ से कॉन्फर्मेशन आनी बाकी है। बहुत बढ़िया, इस बार बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम आने से हमारे स्कूल का बहुत नाम हुआ है। चेयरमैन साहब ने खुद फोन करके बधाई दी है। यह सब तुम्हारी जैसी टीचर्स के कारण मुमकिन हो पाया है। थैंक यू मैम। बताओ कैसे आना हुआ, कुछ मदद चाहिए? हाँ मैम, वो रमन की शिकायत का आगे क्या करना है? रमन वो छठी कक्षा वाला? हाँ वही, उसने सिंह साहब के बारे में जो शिकायत की थी। हाँ बैठो बैठो, मैं भी इसी बारे में बात करना चाह रही थी। जी मैम बताइए। मैं सोच रही थी इस मामले को अगले सोमवार तक टाला जाए। एक बार एनुअल फंक्शन हो जाए उसके बाद देखेंगे, कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता हो जाए और स्कूल की बात स्कूल में ही रहे। लेकिन मैम पहले ही 3 दिन हो गए हैं और समझौता, स्कूल का काम समझौता कराना नहीं है, ना ही हमें यह हक है। हमारा काम तो शिकायत को पुलिस तक पहुंचाना है। हाँ लेकिन ये भी तो सोचो कि एनुअल फंक्शन के बीच में यह करना ठीक नहीं होगा, स्कूल का नाम बदनाम होगा। किसी तरह मामला रफा दफा करने में ही सबकी भलाई है। पर इतने दिनों तक बच्चा कितना डरा रहेगा? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे सिंह साहब ही गलत हों। चोपड़ा साहब तो कह रहे थे यह लड़का भी कम बदमाश नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं दे रही मैम, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि स्कूल को शिकायत मिली है और उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर माँ बाप हम पर भरोसा करके ही बच्चे को यहाँ भेजते हैं, और इस तरह की घटनाएं होना स्कूल के लिए अच्छी नहीं है। स्कूल के अच्छे बुरे के बारे में सोचना मेरा काम है, आप अपने काम पे ध्यान दें। अब आप जा सकती हैं। क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रही हो। मैं रमन की बात लेकर प्रिंसिपल साहब के पास गई थी। रमन, कौन सी बात? रमन ने मुझसे कहा था कि सिंह सर ने आधी छुट्टी के दौरान उसे क्लास में बुलाया, अपनी गोद में बैठाया और साथ ही कहा कि ऐसा वह पहले भी 4-5 बार कर चुके हैं। मैंने ये बात प्रिंसिपल मैम को भी बताई थी और उन्होंने कहा था कि वो कुछ करेंगी, पर आज कह रही हैं कि इन सब बातों पर सोचना मेरा नहीं उनका काम है। ठीक ही तो है, तुमने प्रिंसिपल तक बात पहुँचा कर अपना काम कर दिया, अब गेंद प्रिंसिपल के पाले में है। नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल को सूचना देने से हमारा फर्ज पूरा नहीं होता, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस मामले पर कार्रवाई हो। वैसे सिंह साहब को मैं पर्सनली पिछले 10 सालों से जानता हूँ, वह ऐसा तो नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ किया या नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इसकी समुचित जांच होनी चाहिए। एक बच्चे, वो भी रमन जैसे बदमाश बच्चे की बात पर भरोसा करके एक सज्जन पुरुष की जांच कराना कहाँ का न्याय होगा? और उस बच्चे की बात ना मानकर क्या हम उसी चुप्पी के शिकार नहीं हो रहे जिसके कारण हजारों बच्चे लैंगिक शोषण का शिकार होते हैं? क्या वह न्याय है? हजारों बच्चों को न्याय इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हम उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। और हाँ, रही बात कौन कर सकता है कौन नहीं, तो ये कोई भी कर सकता है और ये किसी के भी साथ हो सकता है, लड़का हो या लड़की, गांव में या फिर शहर में, अमीर या गरीब, ये किसी के भी साथ हो सकता है और कोई भी कर सकता है। करने वाला इसके अलावा अन्य मामलों में बहुत शरीफ भी हो सकता है। हजारों बच्चे? जी हाँ कुमार साहब, हजारों बच्चे, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। रोज सैकड़ों बच्चे लैंगिक शोषण का शिकार होते हैं, ये बात कई रिपोर्ट तय कर चुकी है। और ये भी निकल कर आया है कि ऐसे कई मामले स्कूलों में ही होते हैं, लेकिन स्कूल की बदनामी का वास्ता देकर उन्हें दबा दिया जाता है। हाँ, इस मामले के बारे में मैंने भी सुना है, और यह भी सुना है कि एनुअल फंक्शन के बाद प्रिंसिपल एक कमेटी बिठाने वाले हैं जो जांच करेगी कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। किसी स्कूल या किसी अन्य संस्था की कमेटी को ये हक नहीं है कि वो इस बात की जांच करे कि ये सच है या नहीं। स्कूल का काम है कि वो पुलिस को सूचना दे और जांच पुलिस पर ही छोड़ दे। इसमें पुलिस कहां से आ गई? स्कूल का मामला है, स्कूल को ही निपटाना चाहिए। एक बात बताइए मिसेस घाई, अगर स्कूल में किसी अध्यापिका के साथ बलात्कार हो जाए और प्रिंसिपल कहे हम कमेटी बिठाकर तय करेंगे, तो तब भी आप यही कहेंगे कि स्कूल का मामला है, स्कूल में ही निपटना चाहिए? नहीं, तब तो यह आपराधिक मामला बन गया ना। यह भी तो आपराधिक मामला है। रमन के विवरण के हिसाब से सिंह साहब उसे सिर्फ गोद में ही नहीं बैठाते थे, उसमें सेक्सुअल इंटेंट यानी यौनिक मंशा का भी पता चलता है। यह एक कानूनन अपराध है,
इसमें स्कूल या बच्चों की देखभाल के लिए बनी किसी संस्था की डिसिप्लिनरी इंक्वायरी नहीं, पुलिस कार्रवाई की जरूरत है। और कानून के मुताबिक इसकी जानकारी होने के बावजूद पुलिस में शिकायत ना करना भी एक अपराध है। बल्कि ऐसे मामलों में पॉक्सो कानून यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में स्कूलों और बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं की विशेष नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। इसी विशेष जिम्मेदारी को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूलों के लिए विशेष सर्कुलर निकाले हैं, जिनके अनुसार इन्हें अपनी प्रबंधन समिति और अपने कर्मचारियों की सूची और उनके नाम और पते स्थानीय पुलिस को जमा कराने होंगे। साथ ही स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बाल संरक्षण समिति बनानी होगी। कुछ गाइडलाइंस और एडवाइजरी के अनुसार टीचर या स्कूल का काम है कि वे बच्चों को सुने, उन्हें आश्वस्त करें कि शोषण का खुलासा करना एक अच्छा कदम है और इस तरह के खुलासे से वह और सुरक्षित होने जा रहा है। स्कूल में नामांकित व्यक्ति या स्कूल के हेड को हेल्पलाइन या पुलिस को रिपोर्ट करें। बच्चे के साथ हुई सभी वार्तालापों और किए गए कार्यों का रिकॉर्ड रखें। देरी न करें, खुद से मामले की जांच न करें, क्योंकि टीचर और स्कूल का काम बच्चे द्वारा दी गई जानकारी को उन लोगों को सौंपना है जिनका काम है आगे की कार्यवाही करना। इसी तरह की गाइडलाइंस दिल्ली राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और CBSE द्वारा भी जारी की गई हैं, ताकि स्कूल बच्चों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठा सके। अरे मिसेज शर्मा, ये सब तो ठीक है, हम कब इनकार कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, कल को बच्चा मुकर गया तो हमें कौन बचाने आएगा? ये पुलिस कोर्ट कचहरी का मामला कोई आसान है क्या? आप गवाही देने जाएंगी अगर पुलिस केस दर्ज कर लेती है तो? प्रिंसिपल मैडम छुट्टी देंगी या हमेशा के लिए स्कूल से आपकी छुट्टी कर देंगी? वैसे माफ कीजिएगा कुमार साहब, रमन ने जो बताया वो शायद आपको छोटी बात लगती हो, लेकिन उसके लिए तो ये बेहद परेशानी वाली बात है। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो आप क्या करेंगे? उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे? और मान लो वो गलत कदम नहीं भी उठाता, फिर भी जब पुलिस को पता चलेगा कि सब कुछ जानते हुए भी आपने ये बात छुपाई, तो क्या आप कानून के शिकंजे से बच पाएंगे? वैसे तो हमें खुद ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग हमारी खुद की और हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानून से इतना डरते हैं और किसी की मदद नहीं करना चाहते, इसलिए कानून में ऐसे प्रावधान डाले गए हैं जिससे कम से कम ऐसी घटनाएं अनसुनी तो ना जाएं। और अगर कोई किसी से दुश्मनी के लिए झूठी शिकायत लिखा दे तो? इस कानून में किसी को नीचा दिखाने, धमकी देने या उससे वसूली करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करने या गलत सूचना देने के लिए दंड की व्यवस्था भी है। हालांकि ये व्यवस्था केवल संगीन किस्म के लैंगिक शोषण से संबंधित झूठी शिकायतों से है। तब तो यह प्रिंसिपल मैम की जिम्मेदारी बनती है कि वही पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। और अगर वो ना कराएं तो ये जिम्मेदारी हमारी है। मेरी क्लास में एक बच्ची है जिसके घर में उसके खुद के पिता ही उसका यौन शोषण करते हैं। वैसे तो आपकी बात सुनकर लगता है कि जब स्कूल में बच्चे के साथ ऐसा हो तो उनके माता पिता को भी सूचित करना चाहिए, पर अगर यौन शोषण घर पर ही हो रहा हो तो ऐसे केस में हम क्या करें? क्या इसमें भी पुलिस को सूचित करने की जिम्मेदारी हमारी है? बिल्कुल, स्कूलों और अन्य संस्थानों पर तो पॉक्सो कानून के तहत विशेष जिम्मेदारी डाली गई है। बच्चों को जागरूक करेंगे तो हमारे सामने ऐसे कई केस आ सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि बच्चे हम पर विश्वास करते हैं और वो हमसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। यदि हमें ऐसे किसी केस के बारे में जानकारी मिले तो हमें उन्हें बताना होगा कि वो खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स भी देनी होगी जिससे वो खुद को अपने अपराधी से दूर रख सकें। जरूरत पड़ने पर अपने बचाव के लिए बिना डरे शोर मचाएं। उन्हें बताना होगा कि उनकी मदद के लिए 1098 नंबर पर चाइल्डलाइन सेवा उपलब्ध है। किसी भी कठिनाई में और किसी भी वक्त वो इस नंबर पर फोन करके मदद ले सकते हैं। पिता ही बच्चे की हालत का जिम्मेदार है तो उससे बात करने का कोई तुक नहीं, शायद उसकी माता भी उसका साथ न दे। हमें जानना होगा कि बच्चा पुलिस को सब बात बताने के लिए तैयार है भी या नहीं। ऐसे में बच्चे को काउंसलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। हो सकता है काउंसलिंग के बाद बच्चा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तैयार हो जाए और फिर बाद में अपनी बात से मुकर भी जाए। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर कानून में संगीन अपराधों के बाबत झूठी जानकारी देना अपराध है
तो अच्छी भावना से दी गई सही जानकारी पर व्यक्ति को दोष नहीं दिया जाता बल्कि सराहा जाता है। आप बड़ी हिम्मत वाली हैं मिसेस शर्मा, मेरा तो सर घूम रहा है, इतना कुछ हो रहा है, हमारी मदद के लिए कितने कानून हैं, फिर भी चिराग तले अंधेरा। तो स्कूल को क्या इतिहादी कदम लेने चाहिए ऐसे मामलों से लड़ने के लिए? तो सबसे पहले हमें बच्चों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए, चाहे बच्चा कितना ही शैतान क्यों ना हो। दूसरा, नौकरी देने से पहले स्कूल से जुड़े हर स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, फिर चाहे वो टीचर हो या कोई अन्य कर्मचारी। संस्था या स्कूल में काम करने वालों का निरंतर प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि उन्हें लैंगिक शोषण के हर पहलू पर और इससे जुड़े कानून पर जानकारी मिल सके और वह इस बारे में सतर्क हों। इससे जुर्म करने वाले को भी लगेगा कि कोई उन पर निगाह रखे हुए है। बच्चों को भी बिना संकोच उनकी उम्र के अनुसार जानकारी देनी चाहिए ताकि वह भी सतर्क रह सकें और अपना बचाव कर सकें, और ऐसा होने पर बिना झिझक किसी को बता सकें। अगर हो सके तो इन सब को उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना घटे तो तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को करें, कानून के मुताबिक ये ज़रूरी है। अपनी बदनामी के बारे में ना सोचें, केवल आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित की नज़र से भी सोचिए, चाहे आरोपी हमारा साथी ही क्यों ना हो। और याद रहे, अब इसके बारे में पॉक्सो कानून सख्त है और इसमें हमारी और स्कूल की विशेष भूमिका है। अब तो हम भी प्रिंसिपल महोदय से इस बारे में बात करेंगे ताकि रमण इंसाफ पा सके।